नमस्कार दोस्तों, जेने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अजय पवार। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 के अंदर राजेश गहलोत जी की अगुवाई में हुआ रामलीला का मंचन। यहाँ बड़ा ही भव्य स्टेज बनाया गया है और रामलीला को लाइव टीवी चैनल पर दिखाने की व्यवस्था की गई। हमारी वार्ता हुई इस रामलीला के फाउंडर अशोक शर्मा जी से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपका स्वागत है। मैं अजय पवार, जीएनएन न्यूज से। आज हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं, जो कि सेक्टर 10 द्वारका के अंदर होने वाली रामलीला के फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं इस रामलीला के बारे में। सारा साल ही हम लोग समाज की सेवा में लगे रहते हैं, विभिन्न मंचों पर, चाहे भगवान राम की रामलीला हो, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, या कोई दूसरे सामाजिक कार्यक्रम। हम लोग द्वारका में भी और आसपास के क्षेत्र में भी सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जी, आप सामाजिक कार्यों के अंदर भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, जो श्री रामचंद्र जी की रामायण का ये मंचन हो रहा है, तो दशहरे के बारे में आपने कुछ व्यवस्था की है, दशहरा कैसे मनाएंगे? दशहरा दिल्ली में हमारे सबसे बड़े रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हम लोग जलाने जा रहे हैं। लगभग 120 फुट की हाइट के, 125, और दिल्ली में शायद इससे बड़ी हाइट का पुतला कहीं और देखने को नहीं मिलता। और दर्शकों की संख्या भी लगभग 1.5 लाख दर्शक हर साल दशहरा देखने यहाँ पर आते हैं, और हमारा दशहरा भी उतना ही लोकप्रिय है जितना रामलीला। जी सर, जैसे कि आपने बताया 1.5 लाख के आसपास आपके यहाँ दर्शक आएंगे दशहरे को देखने के लिए, तो उसकी सुरक्षा को लेकर आपने कुछ खास इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर और दिल्ली सिविल डिफेंस के साथ मिलकर हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, और बहुत सुंदर बाड़े हमने लगवाए हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध हमने किए। सर, मैं एक सवाल और थोड़ा सा इससे हट कर पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि अभी माहौल चल रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच में, एक तनातनी, एक खींचातनी सी हो चुकी है, तो श्री रामचंद्र जी के इस मंचन से मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालें कि क्या ये जो माहौल चल रहा है ये सही है? देखिए, कुछ क्षेत्रों में माहौल हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे जो रावण के पुतले बनाने वाले कलाकार हैं जी, वो सारे मुस्लिम वर्ग से आते हैं जी। तो यहाँ सामाजिक संप्रदाय, सामाजिक सद्भावना का आपको एक उदाहरण भी देखने को मिलेगा। यहाँ हिंदू और मुसलमान सब कारीगर मिलकर काम करते हैं जी। जी, चलिए अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती। जेएनएन न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद करता हूँ अपना कीमती समय देने के लिए, और अशोक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जेएनएन न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। मैं अजय पवार, जेएनएन न्यूज़ से, कैमरामैन राकेश चौधरी के साथ।